नमस्कार, न्यूज ट्रैक के शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनुच्छेद 370 को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है और इस बार चर्चा का कारण बने हैं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ये कहा है कि अनुच्छेद 370 के बारे में अगर उनकी कांग्रेस की सरकार वापसी करते हैं तो वो पुनर्विचार करेंगे और इसे हटाया भी जा सकता है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह ने अनुच्छेद 370 जो एक तरीके से खत्म अध्याय है उसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश क्यों की है। इसमें सबसे पहले हम लोग आपको, अपने सभी दर्शकों को भी और हमारे पैनलिस्ट जो हैं, मैं एक बार पैनलिस्ट का परिचय करा दूं। हमारे साथ कर्नल तेज कुमार टिक्कू जी हैं जो ऑल इंडिया कश्मीर समाज के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हैं। इस पूरी चर्चा में हम सब लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सुन लेना चाहिए कि आखिर दिग्विजय सिंह ने अपने उस चैट में क्या कहा है, किस तरीके से वो समर्थन कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इस पूरे मामले को रिव्यू करेंगे। Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a re-look on this issue. Thank you. जी, आप सब लोगों ने ऐसे सुना। और सबसे पहले मैं आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया है और दिग्विजय सिंह जो एक राजनेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इसके बारे में फिर से विचार करेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये सुन के कि आपकी सरकार का फैसला बदलने की कोशिश शुरू हो गई? देखिए, कांग्रेस की एक पुरानी परिपाटी है, वो हर बात का संकट ढूंढने पाकिस्तान जाती है। इसके पहले भी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके नेता अय्यर जी पाकिस्तान गए थे कि भाई मोदी को हटा दो। अब बताइए पाकिस्तान कैसे हटा सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को? लेकिन वो विकल्प ढूंढने वहां के स्टूडियो में गए, बल्कि वहां के पत्रकार ने भी कहा कि भाई हम कैसे हटा सकते हैं मोदी जी को, ये तो आपके देश का मामला है। कांग्रेस के इसके पहले भी जितने भी उनके नेता, राहुल गांधी का भी चाहे बयान हो चाहे उनके और नेताओं का बयान हो जिसका राहुल गांधी खंडन नहीं करते, हमने जब आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी और जो हमारे यहाँ घटनाएं हुई उसके बदले में दो दो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उन सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी कांग्रेस पार्टी ने यही कहा, देश में सेना का मनोबल गिराने का प्रयास किया कि जो है कौन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बात तो खाली पेड़ और पत्तों को गिरा के चले आए, कोई आतंकवादी नहीं मारे गए, इस तरह की भावना कांग्रेस की हमेशा से रही है। वे मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। उसी कड़ी में दिग्विजय सिंह जी भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के एक पत्रकार से इतना उनको प्रेम था कि उसको जाकर के जो है कह दिया कि हम 370 हटाएंगे। जिस 370 को नेहरू जी ने लगवाया था और ये कहा था कि अस्थाई अनुच्छेद है और ये घिसते घिसते घिस जाएगा, जो कि 70 साल में नहीं घिस पाया, उसको मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इसको हटाया है। और आप, मैं उसके इतिहास में जाना चाहूंगा कि धारा 370 ना हटने से कितना वहां के नागरिकों को नुकसान हो रहा था। भारत सरकार के द्वारा कोई भी पारित कानून वहां पर लागू नहीं हो पाता था, वहां के बच्चों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पाती थी, वहां कोई भी हेल्थ के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल वहां पर नहीं जा पा रहा था, शिक्षा के संस्थान वहां पर नहीं जा पा रहे थे, यहां तक कि गैर कश्मीरी को वहां पे उद्योग को धंधे लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने भी नहीं दिया जाता था। तो जब आप इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगा, प्रदेश का विकास कैसे होगा, वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? मैं आपको एक बात और प्रकाश में डालूंगा,
1988 में जियाउल हक ने कहा था कि जब तक कश्मीर में धारा 370 लागू है तब तक हम वहां के युवाओं को भड़का सकते हैं, बहका सकते हैं और हम अपने साथ मिला करके भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं, क्योंकि जिस दिन धारा 370 हट जाएगा वहां का युवा हमारे साथ भारत के साथ मिल करके और एक अपनी और जो उनकी जो समानताएं हैं अन्य राज्यों को मिली है वो उनको मिल जाएंगी। कांग्रेस एक बात और भी कहती थी, जोड़ना चाह रहा हूं उसमें, कि वहां की स्वायत्तता या वहां का कल्चर खत्म हो जाएगा। क्या कर्नाटक का कल्चर खत्म हो गया? क्या हैदराबाद का कल्चर खत्म हो गया? क्या महाराष्ट्र का कल्चर खत्म हो गया? तो ये सिर्फ एक भ्रांतियां थी जो नेहरू जी के बाद से उनकी तमाम पीढ़ी कांग्रेस की लेकर चली आ रही थी। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी अभी भी नेहरू जी की आत्मा को जी रहे हैं और इसलिए जो है उन्होंने इस तरह की बात करी होगी। ठीक बात कही आलोक जी आपने। अब चूंकि इसी से जुड़े हुए कश्मीरी विस्थापित है और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ कर्नल तेज कुमार टिक्कू जी हैं। अब वही सवाल टिक्कू जी आपसे भी है कि ये जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, मतलब अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस पर पुनर्विचार होगा, ये सुनकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा इससे? देखिए, मैंने इस विषय पर आपको कुछ मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनका ताल्लुक असलियत से है। बाकी पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी सारी प्रोपेगेंडा होती है, लेकिन असलियत क्या थी और क्या है उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले दिग्विजय सिंह की तीन बड़ी बातें जो हैं वो बिल्कुल झूठ पर आधारित है। पहला, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर एक सेक्युलरिज्म था क्योंकि वहाँ हिंदू महाराजा थे और मुस्लिम पॉपुलेशन प्रेडोमिनेंट थी। ये तो कोई तर्क है ही नहीं, क्योंकि राजा तो है वो डेमोक्रेटिकली तो आता नहीं है। राजा तो आपको पता है डोगरा वहां पर 100 साल से हुकूमत कर रहे थे, उससे पहले सिखों ने 50 साल हुकूमत करी, उससे पहले अफगानों ने हुकूमत करी। तो किसी ने किसी से ये नहीं पूछा कि क्या हम हुकूमत करें इधर या नहीं करें। तो ये बिल्कुल तर्क बेबुनियाद है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर आप इसी तर्क को ले ले और हैदराबाद स्टेट में जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन 10% थी और निसाम मुसलमान था और 90% पॉपुलेशन हिंदू थी, तो वहां के बारे में वो क्या कहेंगे? तो ये बिल्कुल गलत तर्क है। दूसरा, उन्होंने बोला कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन थी। मैंने इतना झूठा बयान, कांग्रेस तो हमेशा झूठा बयान देती रही है कश्मीर के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए, लेकिन इतना झूठा स्टेटमेंट अभी तक कभी नहीं किसी ने दिया है कि कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन मुस्लिम्स को था क्योंकि वो नेशनल लेवल पर मिनोरिटी के लिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 70 साल से जितने भी सुविधाएं दे रखी थी वो मिनोरिटी के लिए थी, और कश्मीर में नेशनल लेवल पर मिनोरिटी मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे। किसी भी हिंदू को एक भी फायदा नहीं था रिजर्वेशन का, क्योंकि यह रिजर्वेशन कश्मीरी पंडितों के लागू ही नहीं था। तीसरी बात है, धारा 370 के बारे में उन्होंने ये बताया कि वहां पर कश्मीरियत नहीं थी। कश्मीरियत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन कश्मीर के रेडिकल अवाम ने कश्मीरी पंडितों को 1989-90 में निकाल दिया था। वहां पर अगर कश्मीरियत थी वो कश्मीरी पंडितों की वजह से जिंदा थी, वो मुस्लिम्स की वजह से जिंदा नहीं थी। उनको मौका मिल गया, हमारी सरकार ने अनदेखी करी और उन्होंने हमें निकाल दिया, तो कश्मीरियत तो उसी दिन खत्म हो गई। अब आते हैं आर्टिकल 370 के ऊपर। आर्टिकल 370 जिन परिस्थितियों में लागू किया गया था वो भी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने दो नेशनलिस्ट को, महाराजा हरि सिंह को और सरदार पटेल को दरकिनार कर दिया था। आपको मालूम होगा कश्मीर का जो मसला है वो होम मिनिस्ट्री से निकालकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लाए थे, जहां पर नेहरू खुद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे और सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे। उनको मालूम था अगर सरदार पटेल के इसमें रहेगा, ये असाइनमेंट में रहेगा, तो वहां पर शेख अब्दुल्ला जो है वो अपनी चाल नहीं खेल सकेगा, और नेहरू ने अपने पूरे अंडे शेख अब्दुल्ला के बास्केट में डाले थे।
और शेख जब नेहरू ने दूसरी बड़ी गलती करी कि यूनाइटेड नेशन में लेकर चला गया इस मुद्दे को, तो शेख अब्दुल्ला ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो इन परिस्थितियों में शेख अब्दुल्ला के ब्लैकमेल को थोड़ी देर तक डिबेट करने के लिए, ताकि वेस्टर्न पावर्स जो यूनाइटेड नेशन में नेहरू को बहुत परेशान कर रहे थे और कश्मीर के मुद्दे पर जो होना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे, तो नेहरू ने आर्टिकल 370 लगा दिया। आर्टिकल 370 एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है जिससे भारत और कश्मीर के जम्मू कश्मीर के राज्य के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है उनका किस हद तक उसका इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, इसका कोई लेना देना। महबूबा मुफ्ती कह रही थी आर्टिकल 370 हट गया तो कश्मीर इंडिया से चला जाएगा, ये एक ब्रिज है। ब्रिज नहीं है, ब्रिज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस 1947, उस वजह से भारत को आजादी मिली और भारत अनडिवाइडेड भारत के दो हिस्से हो गए। आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और उस टेम्पररी प्रोविजन को उन्होंने तकरीबन परमानेंट बनाया था अपने वोट बैंक के चक्कर में, और उससे कश्मीर में कितना नुकसान हुआ ये भी एक आपस में इस पर अभी आपके साथ लौट के आता हूँ। 27 मई 1949 को जम्मू कश्मीर के संविधान सभा ने आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट किया था, और राजकुमार जी अभी कर्नल टिक्कू कह रहे हैं कि ये जो टेम्परेरी फेज के लिए लाया गया था और इसको बाद में स्थाई कर दिया गया, क्या वाकई ये जो टेम्परेरी फेज के लिए लाया गया था इसको स्थाई करने में राजनीति थी, वोट बैंक की राजनीति थी, तुष्टिकरण था, या जो विदेशी कहा जाए कि विदेश नीति थी हमारी, हम उस तरीके से समझौता करना चाहते थे और वो कुछ दूरगामी सोच थी नेहरू की जिसके नाते इसको लगातार बढ़ाया गया, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अखिलेश जी बिल्कुल सच है कि ये टेम्प्रेरी रूप से लाया गया था और वो साफ साफ लिखा भी हुआ है जब आर्टिकल 370 वहाँ के लिए लागू किया जा रहा था, लेकिन बाद में जैसे कि देखा गया कि कांग्रेस की ही ज़्यादातर सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने इसे खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की। उसका एक कारण राजनीति बड़ा कारण रहा, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि कांग्रेस को लगता था इससे पूरे देश में अल्पसंख्यक उनसे नाराज हो जाएंगे और वो इसलिए इसको छू नहीं रहे थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी जिस तरह से हिम्मत का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दिखाया है वो कांग्रेस दिखाने में विफल रही थी, और इसीलिए लगातार ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ बना तब से उनका ये मुद्दा था कि धारा 370 हम कभी सरकार में आए तो जरूर हटाएंगे, और अनुच्छेद 370, और उन्होंने इसको हटा के भी दिखाया और अभी 2019 में इसको हटाया गया था, और मुझे लगता है कि वहां पर इसका असर भी देखने को मिला है, कुछ स्थायित्व भी वहां पर आ रहा है और विकास कार्यों में भी वहां पर तेजी आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 में सिर्फ तीन बातों पर ही केंद्र का हक था, एक संचार, रक्षा और विदेश। इनके अलावा कोई भी तरह का अगर कानून बनाया जाता था तो उसे वहाँ कश्मीर जम्मू कश्मीर की विधानसभा से मंजूरी जरूरी होती थी, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे जो भी हो। तो इसके चलते देखा गया कि वो एकदम अलग थलग पड़ गया था, पूरे देश के लोग वहां पर ना जमीन खरीद सकते थे ना कोई व्यापार कर सकते थे कश्मीर में बाहर से आके, तो ये सब चीजें अब वहां पर बदल रही। अब हम बात करते हैं, दरअसल टिक्कू साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि वहां पर क्या समस्या है, अवस्थी जी ने भी उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब हम यहाँ राजनीति की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का आभारी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी बातें वो बोलते हैं, और पिछले 5-7 साल से लगातार अगर आप देखें तो वो ऐसी बात बोलते हैं जिससे कांग्रेस बहुत असहज होती है। जो कल उनका क्लब हाउस में जो उन्होंने बात कही, एक डिबेट हो रही थी क्लब हाउस में जिसमें उनसे एक सवाल किया गया, वहाँ पाकिस्तानी रिपोर्टर भी उसमें मौजूद थे, और उसके जवाब में उन्होंने जो सब बातें कही हमने सुना, अभी आपने सुनाया, और ये भी कहा कि कांग्रेस कभी सत्ता में आई तो 370 को फिर से ला सकती है, ये एक बड़ी बात है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह। तो अब आप देखिए, अभी मैं देख रहा था कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के खिलाफ उनके सगे भाई लक्ष्मण सिंह जो मध्य प्रदेश में विधायक है उनका भी बयान आया कि ये ठीक नहीं है, लक्ष्मण सिंह जी की पत्नी का भी बयान आया है, वो भी वहां पर पॉलिटिशियन है, कि ये ठीक नहीं है, और वो मुझे जहां तक पता है वो कश्मीर की ही कश्मीरी है, हिंदू है, तो उन्होंने भी कहा। कांग्रेस कोई इस पर रिएक्शन देने को तैयार नहीं है, उधर बीजेपी अब इसको लेके बिल्कुल हमलावर हो गई, बीजेपी के जो आईटी सेल के हैं अमित मालवीय जी उसके सर्वे सर्वा, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, फिर अब बीजेपी के सारे बड़े नेता राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं, और वो दिग्विजय सिंह से आगे बढ़कर कहने लगे क्या राहुल गांधी की भी इसमें सहमति है, या तो आके वो बताएं कि क्या करना चाहिए इसमें।
दिग्विजय सिंह जी ने पूरी कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया एक ऐसे टाइम पे जब राहुल गांधी लगातार आक्रामक हो रहे थे कोविड को लेकर, कोविड वैक्सीन को लेकर, तमाम तरह की वो लगातार रोज ही हम देखते थे कि वो प्रधानमंत्री जी पर सवाल खड़े करते थे। तो ऐसे में कल दिग्विजय जी का बयान बहुत भारी पड़ रहा कांग्रेस के लिए, और ये पहला बयान नहीं है। अगर आप याद करें तो हाफिज सईद जी बोला था उन्होंने, हाफिज सईद साहब, इसके अलावा पुलवामा अटैक पे भी 50 उन्होंने बातें कही थी। तो जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो दिग्विजय सिंह जी इस तरह के कुछ बयान देते हैं जिनसे कांग्रेस बड़ी असहज हो जाती है, और मणिशंकर अय्यर साहब भी उसी में है। तो ये कुछ नेता है जो मुझे लगता है कि कई बार वो अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मौका देते हैं, और मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता अवस्थी जी, आलोक जी बैठे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि इनको बहुत उनको धन्यवाद करना चाहिए कि इस तरह के लोग जब तक कांग्रेस में है, मुझे लगता है राजनीतिक रूप से भी ये लोग कभी कांग्रेस का भला होने वाला होता है तो इस तरह के बयानों से वो राजनीतिक रूप से नुकसान कर देते हैं। मुझे लगता है पूरे देश में कोई भी इस बयान के सपोर्ट में नहीं आएगा। आप देख लीजिए उनके सपोर्ट में कोई भी, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। तो बहुत असहज करने वाली स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है, और इतने पुराने नेता हैं लेकिन अब क्या उनकी मंशा रहती है ये भी बताना बड़ा मुश्किल है। अखिलेश जी, आप ठीक कह रहे हैं आलोक जी, लेकिन एक बात आ रही है, दिग्विजय सिंह जी तो आपकी मदद कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल लग रहा है कि आपको उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज देने का काम किया है, लेकिन दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि हमने बात कंसीडर करने की है, अब उसको समझ नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं समझ पाए हैं, इसलिए ये भाजपा के लोग इतना हंगामा मचा रहे हैं। क्या वाकई आप लोग समझ नहीं पाए कि दिग्विजय सिंह कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम तो आज तक राहुल गांधी जी को समझ नहीं पाए वो क्या कहना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं। जी, आप अगर देखेंगे इतिहास में जाएंगे जब उसमें राहुल गांधी जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने उनके वक्तव्य क्या होते थे, आलू की फैक्ट्री तक लगाने की बात करते थे। तो जो सामान्य ज्ञान की बात है कि आलू खेत पैदा होता है वो आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करते थे, तो उनसे देश क्या उम्मीद रख सकता है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, डोकलाम में जिसमें चाइना से हमारी मुठभेड़ हो रही थी, डोकलाम में तनातनी हो रही थी, आपस में धक्का मुक्की हो रही थी, मारपीट हो रही थी सैनिकों में, उस समय श्रीमान राहुल गांधी जी अपने परिवार के सहित जो है चाइनीज एम्बेसडर के मेहमान बने हुए थे। जिस समय उन्हें देश के साथ चलना चाहिए था, देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस समय वो उनको चाइना की मेजबानी में वो खड़े हुए थे। तो ये चीजें साफ साफ करती है कि एक जो इतना पुराना राष्ट्रीय दल जिसको जिसको कहा जाता है कि 100 साल से पुराना राष्ट्रीय दल है, जिसकी नींव एक अंग्रेज ने रखी थी, आज भी जो है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है वो भारतीय मूल की नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समय हताश और निराश और परेशान है। आप इधर और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो अभी हाल ही में देखिए, 3 पीढ़ियों से नेता थे उनके जितिन प्रसाद, क्यों कांग्रेस छोड़कर चले आए? उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास नेतृत्व का अभाव है, हमारी नाव डूब रही है, तो हमारा नेता उस नाव को डूबो कर उसको ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसको पैबंद नहीं लगा रहा, उसको उसको ठीक से खे नहीं रहा है। तब तो राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी कूद के नाव से कूद जाते सबसे पहले, तो उनके नेता आज छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये कांग्रेस को विचार विमर्श करना चाहिए कि 3 पीढ़ियों से जिन लोगों की कांग्रेस में निष्ठा रही है, जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, उन्होंने भी कांग्रेस की बहुत सेवा की, आज वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी छोड़कर चले गए, जिनको की प्रियंका वाड्रा जी ने सह प्रभारी बनाया था उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन वो भी जो है कांग्रेस को नमस्कार करके चले गए। यानी कि उनको कोई होप्स नहीं दिख रही है, उनके नेताओं में कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिख रहा है कि वो पार्टी को ढो पाएंगे, और इसीलिए उनके तमाम नेता कुछ भी कहते हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर जी हो, चाहे शशि थरूर जी हो, चाहे अखिलेश जी। इधर आलोक जी ने थोड़ा सा मुद्दा इसमें पूरी कांग्रेस को लपेट लिया, मैं इसमें अब इसी पर बहुत छोटा सा सवाल करूंगा कि अभी अभी देखिए आपके कोलकाता में चले गए वापस मुकुल राय जी, इसके पहले यशवंत सिन्हा साहब चले गए थे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है कांग्रेस से भी लोग जा रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी लोग जा रहे हैं, तो आना जाना राजनीति में लगा रहता है, और चूंकि आप सरकार में हैं तो मुझे लगता है कि जब सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो लोग ज्यादा तक सत्ता की तरफ दौड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग। अब इसमें एक चीज ये भी बता दीजिए कि आप भी और कौन आने वाला है, बहुत छोटा सा बताइएगा क्योंकि मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। राजकुमार जी देखिए, अब 2022 की बिसात बीत चुकी है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी से है, और हमारे पास एक सफल नेतृत्व है, योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार नेता है जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, किसी ने उसको बेईमान साबित करने का प्रयास नहीं किया, ना ही कर पाएगा, ना ही कोई उनके चरित्र पे कोई उंगली उठा सकता है। ये किस नेता के अंदर है उत्तर प्रदेश में आप बता दीजिए,
समाजवादी पार्टी हमारे निकटतम समय लड़ाई में है, समाजवादी पार्टी के नेता 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी जो है वो एक गैर जिम्मेदार बात करते हैं कि वैक्सीन जो है भाजपा की, इसको मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन तो इतने अच्छे नुकसान किया उन्होंने अपने समाज को। बात सही है आपकी, ईमानदार मुख्यमंत्री बहुत मेहनती है, फिर आप ही की पार्टी के विधायक क्यों उनके खिलाफ बातें करते हैं, क्यों नहीं पसंद करते हैं? मुझे नहीं लगता इक्का दुक्का किसी विधायक ने कुछ कह दिया होगा, तो ये तो परिवार है बड़ा, बर्तन गनगनाएंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि उनके खिलाफ कोई जो है माहौल बना हुआ है या हमारे विधायक उनको पसंद नहीं करते। आपसे चर्चा में कुछ कहते हो लेकिन हम तो उसी बात को मानेंगे जब वो सार्वजनिक रूप से कोई बात कहें, तो इसलिए ये खाली जो है ये किस्सा कहानी है। मेरा ये कहना है, मैं पिछले 15 दिन में देख रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है कि मीडिया बता रहा, रोज बता रहा है कि मोदी जी और योगी जी ठन गई है, यानी कि मीडिया के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, या विपक्ष के द्वारा कुछ लोग पत्रकारों द्वारा एजेंडा चलवा रहे हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से नहीं भिड़ पा रहे हैं, उनको किसी चीज में घेर नहीं पा रहे हैं, तो उनको मोदी जी जो कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है उनसे जो है उनको लड़ाकर दिखा दो, जिससे कि जनता का ध्यान हट जाए कि अरे भाई मोदी जी पसंद नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व योगी जी के ऊपर पूरा वरदस्त है और योगी जी के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव में जाएगी। मैं वापस जी आलोक जी वापस आते हैं विषय पर, मैं वापस आपको धारा 370 पे लाना चाहूंगा। जी जी आलोक जी, एक बात आ रही है और कांग्रेस के खेमे से ही उनका यह भी कहना है कि आपकी सरकार ही अनुच्छेद 370 को लेकर के संसद में भी कह चुकी है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पुनर्विचार का मामला चल रहा है, तो वहां भी आपकी सरकार पुनर्विचार के समर्थन में कुछ दस्तावेज देने वाली है। अब क्या रिपोर्ट होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन पुनर्विचार तो किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 370 पर अगर पुनर्विचार के बाद दिग्विजय कह रहे हैं तो फिर खराब बात क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पुनर्विचार की बात कभी नहीं कही, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कही कि शिक्षा का अधिकार 2009 में संसद ने दे दिया था देश को, शिक्षा का अधिकार वहां के बच्चों को क्यों नहीं प्राप्त हो पाया कश्मीर को, ये कश्मीर के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। तो पुनर्विचार हम तब करेंगे कि जब हमने कश्मीरियों का हक छीना होता है या कहीं से कश्मीर में कोई चीज होती है। देखिए, जो वहां पे आतंकवाद है वो आज 1-2 जिलों के भीतर सीमित रह के रह गया, आतंकवाद एक तरीके से कश्मीर में खत्म हो चुका है। कितने लोगों को घर परिवार छोड़कर जाना पड़ा, हमारे जो मित्र बैठे हैं हमारे इसमें टिक्कू साहब, कितने कश्मीरी हमारे हिंदुओं को जो है वहां पर बेघर होकर के आना पड़ा, वहां का पूरा डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया, एक वहां पर कभी इस तरह से नहीं हुआ था, तमाम प्रॉपर्टीज वहां पर जो है आज भी जो है हमारे कश्मीरी हिंदुओं भाइयों की है, लेकिन जो है वहां पर जो है उनको छोड़कर जाना पड़ा। तो उसके पीछे क्या कारण थे? उसके कारण ये था कि धारा 370 थी, देश के लोगों को वहां पर निवेश करने का अधिकार नहीं था, देश के लोगों को वहां पर इंडस्ट्री लगाने का अधिकार नहीं था, देश के लोगों को वहां पर स्कूल खोलने का अधिकार नहीं था, देश के लोगों को वहां अस्पताल बनाने का अधिकार नहीं था, देश के लोगों को वहां मनरेगा लागू करने का विचार नहीं था, क्योंकि वहां का जो वहां का नवयुवक था वो बेरोजगार था, और बेरोजगार के नाते वो एक बहुत जो है क्या कहते हैं आसान खेती थी, जिसको कि पाकिस्तान उसको उसकी उपज उगा रहा था कि वहां पर आतंकवाद पर ढकेल रहा था, कि भारत तो फल फूल रहा है और कश्मीर को उसने डूबने के लिए छोड़ दिया है। तभी भी पाकिस्तान ने ये नहीं क्लियर किया कि धारा 370 और 35A की वजह से भारत से जो है कश्मीर कटा हुआ है। तो आज जो है मैं तो धन्यवाद दूंगा आज आपको कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, देश को आज दिख रहा है कि 2019 में जिस समय अमित शाह जी ने संसद में उसको पास किया, जिसके लिए बारे में विपक्ष कहता था, वहां कश्मीरी नेता कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी और ये भारत ने अपनी गर्दन काट ली है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो नदी, क्या एक बूंद भी वहां पे खून गिरने पाया है? आज उन सबको जो है सबको बेनकाब किया है हमारे हमारे कानून ने, और आज के वहां के लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़के भी अभी आपने देखा होगा कई लोग जीत करके हैं, सारी पार्टियों ने उसमें भागीदारी ली है, सहभागिता करी। कर्नल टिक्कू, आपसे एक बार फिर से मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, ये बताया कि अवस्थी जी ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद स्थितियां बदल रही हैं, आप लोग वापस कश्मीर जाने की सोच रहे हैं, क्या इसमें कितनी हकीकत है? क्या आप लोग वापस जाने की सोच रहे हैं? कितने लोग वापस गए हैं और क्या ये सिलसिला आगे जारी रहेगा या इसमें कोई अड़चन है? अभी क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं वहाँ? देखिए, इस बात का मैं इससे इसके हटकर भी एक दो चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें यहाँ आई हैं जिनका जिनको दुरुस्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमारे कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो ये कोर इशू रहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाना है, लेकिन
स्ट्रेटजिक लेवल पर तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा काम किया, जैसे इतना साहसी काम जो मोदी साहब ने किया, आर्टिकल 370-35A को रिवोक कर दिया, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था और इसमें उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और पूरे वर्ल्ड में एक, अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं थी। इंदिरा गांधी भी जब उसके पास 350 MP से तब भी उसने ये नहीं किया जब वो करना भी चाहती थी, तो ये बहुत बड़ा साहसी कदम था। लेकिन उसके बाद ग्राउंड लेवल पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को वापस वहां लिया जाए, बसाया जाए। इसमें क्या अड़चने आ रही हैं? कुछ है इसमें काफी सारी अड़चने आ रही हैं। मैं मानता हूं कि इतना आसान मुद्दा नहीं है, ये बहुत मुश्किल मुद्दा है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो ग्राउंड लेवल पर इसके विषय में कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 2 साल से पेंडेमिक रहा है, कोविड में पूरा विश्व तकलीफ में था, भारत में तो वेव 2 में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत नुकसान हुआ, शायद उस वजह से डिले हो गया होगा, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडितों को वहां वापस बसाने के लिए कोई भी आज खास कदम नहीं उठाया गया है। वहां मनमोहन सिंह के टाइम पर जो PM पैकेज के लिए 6000 पोस्ट थे, उसमें से मोदी जी के आने तक 1700 पोस्ट जो है वो फिलअप किए गए थे। अब पिछले 2 साल में तकरीबन 2500 पोस्ट और फिलअप हो चुके हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी, जो 500,000 लोग वहां से निकल गए थे, उनको वहां पर जाकर बसाने के लिए जो चीजें चाहिए, वो एक कोऑर्डिनेटेड प्लान चाहिए, उसके विषय में अभी तक हमने कुछ सुना नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँ, जहां पर आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, देखिए हमारे देश में आर्टिकल 370 के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आर्टिकल 370 में एक सबसे बड़ी बात वो ये थी कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बनता है, वो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता कोई भी। इसलिए जम्मू कश्मीर में अगर वो चाहते हैं तो तभी लागू होगा जब वो अपनी असेंबली से उसको पास कराए। तो अब क्या चक्कर है वहां पर, क्योंकि ताकत 2-3 परिवारों के बीच में रही है 1947 के बाद, या शेखुबला परिवार में, या बख्शी परिवार में, या महबूबा परिवार में। बख्शी और शेखुबला के बीच में अब आपस में रिश्तेदारी भी हो गई है, तो 2 परिवारों के बीच में है। तो ये 2 परिवार जो चाहे वही लॉ लागू करते थे, और जो न चाहे वही नहीं, वो नहीं लागू करते थे। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1957 में उन्होंने पंजाब से वाल्मीकियों को लाया वहां पर छोटा मोटा काम करने के लिए, और उनके ऊपर क्या कंडीशन डाली, आप हैरान होंगे कि आजकल के युग में भी ऐसा कोई रूल है। उनके ऊपर कंडीशन ये थी कि आपके बच्चे भी वही काम करेंगे जो आपके, आपको हमने लाया यहाँ पर करने के लिए। मतलब आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप फौज में नहीं जा सकते, पुलिस, आपने वही काम करना है। आप यकीन कीजिए किस कितना बड़ा जुल्म है ये, और ये आर्टिकल की वजह से हुआ। दूसरी बात, जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में 3 जंग हुए, 47 में हुआ, 65 में हुआ, करगिल में हुआ, और इंसर्जेंसी चल रही, इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के से जो पंजाब का इलाका है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका बॉर्डर पर है, तो वहां से काफी सारे लोग विस्थापित होकर शरणार्थी बनकर जम्मू भाग कर आ गए। उनको अभी तक आर्टिकल 370 हटने से पहले, मतलब 5 अगस्त 2019 से पहले तक अधिकार नहीं था, वो स्टेट असेंबली के में वोट डाले, इलेक्शन में वोट डाले, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते थे। उनका रेशन कार्ड नहीं था, उनकी कोई सुविधा नहीं थी, ये आर्टिकल 370 का एक दुरुपयोग था। रोशनी एक्ट के मुताबिक आपने काफी सारा सुना होगा, महबूबा मुफ्ती ने क्या किया था, कैसे हजारों रोहिंग्या को बर्मा से लेकर वहां बसाया और बोला सरकारी जमीनों पर कब्जा करो, और ये लॉ पास किया कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा करेगा पुलिस उसको नहीं उठाएगी। तो ऐसे ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिनमें आर्टिकल 370 का दुरुपयोग किया गया, और ये तो एक बहुत सराहनीय काम किया है। आज से 50 साल बाद जब हम पार्लियामेंट की हिस्ट्री पढ़ेंगे या इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो लोग हैरान हो जाएंगे कि जिस चीज को पहले हटाना चाहिए था वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। अब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कश्मीरी पंडितों को वापस वहां पर बसाना।
और मुझे कोई शक नहीं है इस बात पर कि वो इस विचार इसके बारे में भी विचार कर रहे होंगे। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ तिवारी जी। हाँ, टिक्कू जी ने जो सवाल उठाया है कि कश्मीरी पंडितों को कैसे बसाया जाएगा, कश्मीरी पंडितों के तमाम प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले हैं भी थे। 2022 तक उनको बसाने का एक कार्यक्रम सरकार ने बनाया भी हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि इधर विगत 1.5-2 वर्ष कोरोना की वजह से सारे कार्यक्रम जो है पीछे चले गए हैं, समय लगेगा, लेकिन 2022 ये प्रस्ताव था कि 10 जिलों के अंदर स्पेशल टाउनशिप बना करके और वहां पर जो है कश्मीरी ब्राह्मणों को हम वापस ले जाने की बात हमने तय करी थी। और साथ ही साथ कार्ड है, राहत कार्ड है, प्रतिमाह उनको 13,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। उन परिवारों को ऐसे 44,000 करीब परिवार हैं जिनको कि 13,000 प्रतिमाह दिया जाता है और उनको मुफ्त राशन भी प्रदान किया जाता है। सरकार उसके साथ पूरी तरह से खड़ी है, हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात सही है, जो 70 साल की लड़ाई, 70 साल की जो एक ये फांस है, बहुत बड़ी फांस बन चुकी है, इसको भरने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से वहां पे टाउनशिप जो है कश्मीरी पंडितों के लिए बनाएगी, उनको वहां पे पूरे उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और जो भारत सरकार का जो कानून लागू हो गया है, अब वहां के पुलिस उनके नेताओं के जो वहां के जो नेता जो आतंकवादियों के समर्थन में भी खड़े हो जाते थे और जितने भी सारे हाथ हकूक थे वो खाली उनके परिवार तक ही सीमित रह पाते थे, किसी को नहीं मिल पाते थे, पुलिस भी उन्हीं के कंट्रोल में रहती थी, जिससे कि न्याय नहीं मिल पाया। मेरा साफ साफ कहना है, जहां तक कि वहां के जो नेता अचानक लग रहा है कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है आलोक जी, बारिश की वजह से बरसात, आपके पास आना चाह रहा था। ये टिक्कू जी ने जो बात कही कि आर्टिकल 370 तो वहाँ असमानता का आर्टिकल था कि एक तरफ आप शेड्यूल कास्ट को जिनको आप पंजाब से लेके आए उनके साथ कोई अधिकार नहीं है, दूसरी तरफ आप रोहिंग्या को बसने का मौका दे रहे हो, तो ये कैसे भेदभाव हो रहा था? तो ऐसे कानून को तो क्या बिल्कुल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो अनुच्छेद 370 है ये टेम्परेरी था और इसमें कश्मीर के लोगों को कुछ विशेष प्रावधान कुछ सीमित समय के लिए दिए गए थे। जब देश आजाद हुआ उसके बाद ये व्यवस्था थी कि कुछ समय, कुछ सीमित समय के लिए कुछ स्पेशल उनको अरेंजमेंट किया जा रहा है और जल्दी ही इसको देर सवेर हटा दिया जाएगा। ये विफलता है भारत सरकार, जो भी सरकारें रही इस दौरान और कांग्रेस की ज्यादा रही, इनकी बड़ी विफलता थी कि इस ओर ना तो उन्होंने प्रयास किया इसको हटाने के लिए और इसको लेकर राजनीति भी अलग होती रही। मुझे लगता है कि दूसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा कोई डिसीजन लिया है वो आर्टिकल 370 को हटाने का लिया और 35A को हटाने का लिया है और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और मुझे लगता है इस फैसले पर जब भी कोई बात उठाएगा तो उससे राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा होगा और संवेदना के स्तर पर भी मुझे लगता है देश के लोगों को अब ये बात अच्छी नहीं लगेगी अगर कोई कहेगा कि हम इसे रिस्टोर कर देंगे। मुझे लगता है कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह जी ने एक सेल्फ गोल कर लिया है बहुत बड़ा, उन्होंने इस तरह की बात कही है और ये अभी मामला रुकने वाला नहीं। आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर आक्रामक हो रहे हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है फिलहाल, ये आप देखिए जल्दी छूटेगा नहीं, खासतौर से अभी इलेक्शन भी आने वाला है तो ये मुद्दा इसको लगातार रहेगा। और इस तरह की बातें करके दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है क्योंकि आर्टिकल 370 को अब रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है और मुझे तो लगता भी ये असंभव है चाहे जो भी सरकार आती है। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे साथ जो बाद में दर्शक जुड़े हैं, मैं सोच रहा हूं कि उनको एक बार फिर से सुना दिया जाए कि दिग्विजय सिंह ने दरअसल कहा क्या था। थैंक यू शाहजेब। नेक्स्ट स्पीकर इज यू नो ज्ञानेश, ज्ञानेश प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja and both worked together.
In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. जी आलोक जी, आपने भी फिर से सुना होगा, वो दिग्विजय जी कह रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म का, कश्मीरियत का सेकुलरिज्म से नाता है, और टिक्कू जी ने भी कहा कि वो तो जो है केवल हिंदू राजा होने से ऐसा नहीं होता था। अब राजकुमार साहब जो कह रहे थे, तिवारी जी आवाज कट के आ रही है आपकी जी। अच्छा, अभी आवाज अगर आ रही हो तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ केवल इतना कि भाजपा अभी इसको क्या आगे मुद्दा बनाएगी, इस पर क्या लड़ाई लड़ेगी, क्या कश्मीर को अनुच्छेद 370 हटाने की जो कांग्रेस की कोशिश है उसके लिए कांग्रेस को घेरेंगे? शायद फिर वो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है आलोक जी की तरफ से। टिक्कू जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि कश्मीर का जो ये इशू है, इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को आगे आकर और दिग्विजय सिंह के किए पर माफ़ी मांगनी चाहिए और इसको अपोलोजाइज करना चाहिए, या इस बात को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें एक अच्छी अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है जी। क्योंकि अगर एक डेमोक्रेसी में एक स्ट्रांग अपोजिशन ना हो तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, गवर्नमेंट की जवाबदारी नहीं रहती। और ऐसे स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह दे रहे हैं या मणिशंकर आया दे रहे हैं, शशि थरूर दे रहे हैं, इनके तो एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी समर्थक हैं, वो जब स्टेटमेंट देते हैं तो थोड़ा बहुत जितना जो जनाधार है इनका वो भी गिर जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एज एन अपोजिशन पार्टी रैली खत्म हो रही है और वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर भी बताया गया कि बीजेपी ने कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये वैक्यूम बन रहा है और ये वैक्यूम कब फिलअप होगा मुझे तो नहीं कोई आसार दिखाई देता जल्दी से फिलअप होगा, क्योंकि रीजनल पार्टीज तो हैं हमारे, काफी स्ट्रांग रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर क्या हम एक अपोजिशन डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के खत्म होने से जो वैक्यूम पैदा होगा उससे देश को हानि होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। जहां तक इनका कहना, इनको भी मालूम है कि आर्टिकल 370 और 35A के रिवोकेशन को ये वापस नहीं ला सकते। वो एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे और वो ऑडियंस जो सुनना चाहती थी उन्होंने वही बताया, क्योंकि उनको मालूम है कि वो एक वोट बैंक को अपीज करना चाहते थे। जहां तक उनकी बात का नेशनल साइकी के ऊपर या नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर असर है, उसको मालूम है कि उनका तो तकरीबन जनाधार खत्म हो चुका है, तो इसलिए वो जो बोलें अगर दो चार लोग ताली बजाएं उनके लिए तो वो समझते यही मेरे लिए बहुत अच्छा है, अगर इसका कोई रियली मतलब ही नहीं है इसका। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं राजकुमार सर। हम लोगों का समय पूरा हो रहा है, एक अंतिम टिप्पणी आपकी। टिक्कू जी जो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने एक तरीके से अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए ये कहा है दिग्विजय सिंह ने, वो कोई लंबी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को खुश करने के लिए कहा, ये खुश करने की राजनीति कब तक? देखिए, कांग्रेस ने बहुत पहले भी ऐसे बार इस तरह की बातें की हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगता है माइनॉरिटी के अपीसमेंट का, लेकिन मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ने इस बार जो कहा है उससे कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो खुश नहीं होगी, और उसने ज़रूर इस बात को समझ लिया है कि ऐसी बातों से नुकसान कांग्रेस का होता है जिन्हें खुश करने की बात कही जा रही है। मुझे लगता है आप वेस्ट बंगाल के रिजल्ट देख लीजिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश के रिजल्ट देख लीजिए, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि इन सब बातों से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत हद तक उनका वोट बैंक ले लिया है, तो अब इस तरह की बातें कांग्रेस को नुकसान ही देती हैं और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा देती हैं। मुझे लगता है इनसे बचा जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह साहब जिस तरह का पिछले 5-6 साल में अपने 5-6 बयानों से नुकसान करा चुके हैं, मणिशंकर अय्यर जी नुकसान करा चुके हैं, तो कांग्रेस के
लीडरशिप को, चाहे सोनिया जी हों या राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, उनको साफ कह देना चाहिए कि आपकी इस तरह से बातों से नुकसान होता है और हम लोगों को जवाब देना मुश्किल होता है। आप इसी इशू पर देखिए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया कांग्रेस को और लगातार बीजेपी के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, यही देश का मूड भी है। लोग हमारे साथ भी इस शो में जो जुड़े हुए हैं उनके कमेंट में देख रहा हूँ, सारे लोग एक सिरे से कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बयान की भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। और आपने जो कहा, टिक्कू जी ने भी कहा और आलोक जी ने भी इससे पहले बात कही है, वो सब कुल मिलाकर के ये है कि दिग्विजय सिंह का मूव ठीक नहीं है और कांग्रेस नेतृत्व को आगे बढ़कर या तो इसके उनके किए की माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो देश उन्हें माफ़ नहीं करेगा। आप सबको इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।